तो गाइज मैं नहा कर फ्रेश हो चुकी हूँ। इसमें जो कपड़े मैंने रखे हैं वो एथनिक वेयर है, सिर्फ सूट कुर्ती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो ऐसा होने वाला है कि आज मैं अभी तो दस बज रहा है, और आज मैं जब सोकर उठी थी तो पहले सोकर मैं 7 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं वापस से सो गई। जब मैं दोबारा उठी तो 10 बज रहा था। तो आज थोड़ी सी मुझे लेट हो गई सोकर उठने में, और मैं अभी सोकर उठ रही हूँ। और उठते के साथ मैंने चाय चढ़ा ली है अपने लिए, क्योंकि मेरी सुबह चाय के बिना तो अधूरी है। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाया, चाय भी बन रही है, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद आगे क्या क्या करना है उसके बाद मैं सोचूंगी। तो चाय मेरी बन रही है, और ये है कुछ यहाँ का वेदर। धूप बहुत तेज है, मुझसे तो धूप में बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी तेज़ धूप है, गर्मी सी लग रही है धूप में बैठने से। तो गाइस चाय नाश्ता तो मेरा हो गया, अब मैं सोच रही हूँ कि आज जो किचन के सारे जो कबर्ड वगैरह दिख रहे हैं इसको मैं सोच रही हूँ कि ये साफ कर लूँ, क्योंकि ये वाइट है ना, तो इस पर बहुत जल्दी इस पर दाग लग जाते हैं, बहुत जल्दी ये गंदा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बालकनी भी मैंने काफ़ी टाइम से साफ नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बालकनी को भी आज अपने साफ कर लेती हूँ। तो गाइज अब देख सकते हैं कि मेरे कितने सारे हेयर फॉल हो चुके हैं। पता नहीं ये वेदर के वजह से हो रहा है, किस वजह से इतना हेयर फॉल हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये मेरे ही बाल है, मुझे अपने बाल देख के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। कल मैंने हेयर वॉश किया था, हेयर वॉश के बाद मैंने जब काम किया तो इतने सारे बाल मेरे गिर गए। तो गाइज अभी मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैं यहाँ पे चने और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। मसाला यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है, इसको डाल देते हैं। ऑलमोस्ट ये बनने ही वाली है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। तो इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में डालने वाली हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, इसका शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। गाइज लंच में मैंने बनाया है आलू चने की सब्जी, और यहाँ पे मैंने बनाया है कढ़ी, और इसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी। तो गाइज मैं नहा कर फ्रेश हो चुकी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, तो मैं आपसे मिलती हूँ लंच के बाद। लंच करने के बाद मैं लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। अभी शाम हो चुकी है और अंधेरा हो चुका है बाहर। अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:30 हो रहा है, एंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय बनाऊँगी, एंड रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तो वेदर भी अब थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ने लगी है, शाम को तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ब्लैंकेट में एक बार घुस जाओ तो दोबारा ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं करता है। तो गाइस आप देख सकते हैं बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। गाइस आज मैंने ये अपना ये जो मेरा वार्डरोब है इसको मैंने आज सही किया है। इसमें जो कपड़े मैंने रखे हैं वो एथनिक वेयर है, सिर्फ सूट कुर्ती हैं और लेगिंग्स वगैरह, और मैंने ये सब इस साइड में रखा है, और इस साइड में मेरे सारे वन पीस वगैरह हैं। तो वन पीस वगैरह मैंने इस साइड में रखा हुआ है। तो इस सेक्शन को भी मैंने आज लंच के बाद सही कर लिया था। यहाँ पे जीन्स वगैरह मैंने अपने सारे रख लिए हैं, यहाँ पर कुछ टॉप्स वगैरह है यहाँ पर मैंने रख लिए हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मेरे जितने भी हैं सिर्फ स्वेटर्स वगैरह हैं। तो इसमें सारे जो ठंडी विंटर के जो कपड़े हैं सारे इस वाले वार्डरोब में मैंने रखे हैं। इसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे जितने भी हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया। तो गाइस अब चलते हैं। इस रूम का तो मैंने बालकनी बंद ही नहीं किया, खुला है, कर देती हूँ, भूल गई थी बंद करना। मैं बंद नहीं करती हूँ तो पता ही क्या होता है, मच्छर आते घर पे।
मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ा चाय पीऊँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। गाइस बर्तन वगैरह धुल गए मेरे और चाय भी बन गई है। तो गाइस मैं अभी रात का खाना बना रही हूँ। तो रात के खाने में पहले अभी मैं रोटियां बना रही हूँ अपने लिए। तो गाइस खाना मैंने बना लिया है, इसमें मैंने रोटियां बनाई है, इसमें मैंने रोटी बना के रख लिया है, और दोपहर को सब्जी बनाई थी आलू चने की, वो बची हुई है तो मैं इसको अभी रात में खा लूँगी रोटी के साथ। और इसी के साथ मैंने कढ़ी भी बनाया था तो वो कढ़ी भी अभी बची हुई है। तो रात का मेरा खाना यहाँ पे बनकर रेडी है। तो मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया है एंड सारा काम यहाँ पे हो ख़त्म, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो गाइज मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया है और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में खाना खा लूँगी। तो गाइज मैं आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो अगर आप पूरा देखना और वीडियो पूरा देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।